नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजार का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और ये जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका असर कम्युनिटी के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है। जनरल बिजनेस जो ट्रेडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, मंडियों में आवाजाही होती है, लेन देन होता है, उसका असर इन सब पर कितना देखने को मिल सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। आज देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1790 पर है, आधे फीसदी की तेजी दिखा रहा है, लगभग हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी लगभग 0.25% की तेजी के साथ $23.2 पर कारोबार करती नजर आ रही है हरे निशान पर। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी सोने चांदी की कीमतों में एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। सोने एक बार फिर से तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल के मुकाबले जो प्राइसेज हैं वो लगभग समान नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि जो ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन, ये जो आया है अब धीरे धीरे पैर पसारता नजर आ रहा है। इसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक सेफ हेवन डिमांड बनती नजर आ सकती है, यानी कि सुरक्षित निवेश मांग बन के निकल के सामने आ सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी मार्केट को वेट एंड वॉच की तरह देखना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी इस ये जो नया वेरिएंट आया है इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये कितना खतरनाक है और इसकी कोई इस पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है क्या वो दवा काम कर रही है नहीं कर रही है, ये अभी एनालिसिस होना, इन सब के पूरे टेस्ट रिजल्ट्स आना, ये सब अभी बाकी है, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं, सरकार हैं अलग अलग देशों की, वो पूरी कोशिशों में जुटी हुई है और जब ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही सोने चांदी की कीमतें आगे क्या रहेंगी, कम्युनिटी बाज़ार पर कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सब आगे तय हो पाएगा। हाल फिलहाल में सोने चांदी की कीमतों में अभी सेफ हेवन डिमांड बनते धीरे धीरे नज़र आ रही है और अभी शॉर्ट टर्म में की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं WTI $70 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 पर है। WTI में 1.25% की तेजी है और ब्रेंट क्रूड ऑयल में 0.25% की। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में कल के मुकाबले अब कुछ जो लेवल्स हैं वो भी लगभग समान नहीं देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स बनते नज़र आ रहे हैं। हालांकि हरे निशान पर हैं लेकिन लेवल्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहे हैं कल के मुकाबले। कोरोना का जो कहर है वो कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिला है, क्रूड ऑयल में भी जो ओमिक्रॉन है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और अभी 2 दिसंबर को ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें अब यह निर्णय लेना है कि आगे आउटपुट को बढ़ाना है, क्योंकि ओमिक्रॉन के आने से पहले डिमांड ज़्यादा रहने के एनालिसिस यानी एस्टिमेशन बताया जा रहा था और अब जैसे ओमिक्रॉन या कोई दूसरी पेंडेमिक आती है तब लोग वर्क फ्रॉम होम चालू कर देते हैं, बाहर निकलना कम कर देते हैं, फ्लाइट्स में आवाजाही कम हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो अब ओपेक क्या डिसीजन लेता है अब ये 2 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा। तो आज के कारोबारी सत्र में सोना चांदी कच्चा तेल बेस मेटल्स नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं आज भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं कल वाले लेवल्स भी देखने को मिल रही हैं ऑलमोस्ट, आपको क्या लगता है क्या यहाँ से ट्रेडर्स अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट सोना चांदी समेत अन्य कम्युनिटीज पर कितना पड़ता नजर आ सकता है, फिर उसके बाद अपनी कुछ प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद अपनी जो चाल है वो चलेंगे, या फिर यहाँ से सोने चांदी में निवेश अभी देखने को मिलता रहेगा और सेफ हेवन डिमांड देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल अभी जो सोना चांदी है वो एक रेंज में दिखाई दे रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। अगर 2 दिसंबर को जिस तरीके से ओपेक की बैठक होनी है और अभी जो ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है इसको लेकर भी काफी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, इसीलिए सभी बाजारों में काफी उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन सोना कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले देखा जाए तो
डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में उन्हीं स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। सेम एज इट इज चांदी में भी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अगर ये कोरोना का वेरियंट फैलता है और इसका इम्पैक्ट सोने और चांदी पर पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और सोने की कीमतें एक बार फिर से तेजी की तरफ जा सकती है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि काफी कंट्रीज के अंदर, जैसा कि देखने को मिला है कि 12 देशों के अंदर ये फैल चुका है, और अगर इसका इम्पैक्ट और ज्यादा फैलता है तो डेफिनेटली सोना और चांदी एक सेफ हेवन डिमांड के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं और निवेशकों का रुझान सोने और चांदी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और सोना आने वाले दिनों में वापस से हो सकता है जो हमने पीछे कोरोना में सोने के अंदर जो लेवल्स देखे थे वो लेवल्स एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये वेरियंट बहुत ज्यादा नहीं फैला, इस पर कंट्रोल कर लिया गया, तो फिर सोना जो है आपको एक रेंज में देखने को मिल सकता है, नीचे में $1760 और ऊपर में 1820-1840 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी ये सर जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, क्रूड में भी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है, जो लेवल्स हैं एकदम से टूटते नजर आए थे। पहले ओमिक्रॉन के आने से पहले ये खबरें थी कि जो डिमांड है साल 2022 में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, 2021 में शुरुआत भी हो चुकी है, हमने एंड होते होते देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी, लेकिन अब जो ओमिक्रॉन आया है अब उसका असर भी हम कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर वेरियंट फैलता है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, लॉकडाउन वाली स्थितियां बनती हैं, तो क्या कच्चा तेल और टूटता नजर आ पाएगा? देखिए बिल्कुल, फिर कच्चे तेल के ऊपर जो है वो डेफिनेटली एक डाउनसाइड का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वापस से स्थितियां वैसी बनती हुई दिखाई देती है और या वैसा कुछ इम्पैक्ट आता है तो जरूर कच्चे तेल की मांग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और सप्लाई ऑलरेडी ही हम लंबे टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि सप्लाई काफी कम है और इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। और उधर से जिस तरीके से अदर कंट्रीज ने रिजर्व्स में से भी क्रूड को निकालना शुरू किया है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर इस लेवल पर अगर डिमांड जो कम हो जाती है तो फिर उसपे उसके चलते कच्चा तेल जो है वो कीमतें वापस से निचले स्तरों को छूती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जो गिरावट हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी उसके बाद अभी थोड़ा सा काफी बाजार संभलता हुआ भी दिखाई दिया है और $70 के ऊपर क्रूड सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इंटरडे में भी बाजारों के अंदर थोड़ा पॉजिटिव है, $71 से $72 की स्ट्रेंथ जो है अभी भी क्रूड में देखने को मिल सकती है। और 2 तारीख को बैठक है, उसके बाद ही कुछ नतीजा निकल कर आएगा, उससे पहले कच्चा तेल $70 से $72 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इंडिया में नहीं देखने को मिला है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि भारत में भी ये वेरिएंट देखने को मिला हो, हालांकि अफ्रीकी देशों से पिछले 15 दिनों में 1000 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ओपेक और उसके सहयोगी देश इस बार उत्पादन बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकते हैं? देखिए अभी उत्पादन बढ़ाने पर फैसला होगा या नहीं होगा, देखिए पहले तो उम्मीद की जा रही थी कि उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन अब जो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते हो सकता है कि अभी फिलहाल प्रोडक्शन ना बढ़ाए, तो क्योंकि कीमतें अभी कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो बना तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही थी वो भी इसीलिए क्योंकि कच्चे तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। अभी उसके ऊपर अभी अगर ये कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाने के विचार को अभी और मतलब जो है थोड़ा सा आगे डिले किया जा सकता है। जी ये सर ऊपर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कल की अच्छी तेजी के बाद आज बाजार लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए बेस मेटल्स में आगे यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है और आगे चल के इसके अंदर प्राइसेस जो है वो काफी अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखें तो बेस मेटल्स के अंदर अभी कुछ एक बेस मेटल्स में पॉजिटिव रुझान बन रहा है जबकि कुछ में नेगेटिव भी है, लेकिन अभी कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले बाजारों में जरूर गिरावट आई है। कॉपर भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का है और निकल में भी गिरावट बनी है, लेकिन ये छुटमुट करेक्शन आप इसको कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और बाजारों में भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? नेचुरल गैस में मैंने कल भी बताया था कि 360-340 तक लुढ़क सकता है और अभी भी मेरा लेवल्स वही है, 340 तक नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज जानना चाहेंगे कि हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज में वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए मुझे तो लगता है कि फिलहाल सोने और चांदी के अंदर ही निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए, यही दो कमोडिटी ऐसी हैं जो इस पैनिक में भी आपको प्रॉफिट देती हुई नजर आ सकती हैं। जी
तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।